चलो हम सब किस दिन अंतराल के बाद आई पुनः सिमर फिल्म्स इंटरनेशनल के द्वारा जे लोकप्रिय वेबिनार चलित छल जकर केंद्रबिंदु संत शिरोमणि लक्ष्मीनाथ गोसाई जी छथि और बाबा जी के जानी आई पुनः 1 जनवरी नव वर्ष के शुभ अवसर पर हम सब एक शुरुआत कर रहल छी और एक रवि के 4 से 5 के बीच में हम सब और बाबा जी के जानी विषय पर लक्ष्मीनाथ गोसाई जी के विषय में जानब हुनकर रचना के विषय में जानब हुनक जे रचना छन जे लोकप्रियता छन हुनकर विषय में हम सब बात करब एकटा विशिष्ट अतिथि हमारा सब संग में रहतैत जिनका हम सब स्वागत करब और हुनका से बाबा के विषय में लक्ष्मीनाथ गोसाई जी के विषय में विस्तृत जानकारी ले। हम सुमित सुमन अपने सबके सिमर फिल्म्स इंटरनेशनल के ही फेसबुक पेज पर स्वागत करैत छी सबके जय बाबा जी कहित अभिनंदन करैत छी। अपने सबके ज्ञात है जे पिछला 1.5 साल से सिमर फिल्म्स इंटरनेशनल के एगो बहुत प्रतीक्षित सब्जेक्ट जे लक्ष्मीनाथ गोसाई जी के कुटु दर्शन के उद्देश्य से एकटा फिल्म निर्माण में लागल छी चलू बाबा जी के धाम जकर म्यूजिक सबके काज तो भ गेल अछि अपने सबके सबके जनतब अछि चूंकि जन सहयोग से फिल्म कऽ रहल छी और धरातल पर चलैत जन सहयोग में की समस्या होइत छै ओहो सब अपने सब सब आदमी अवगत छियै लेकिन हमरा बाबा जी के कृपा से काफी सम्मान आशीर्वाद सहयोग भेटल हँ भेट रहल अछि और आशा अछि जे नव साल में आइ जे हम सब प्रारंभ कऽ रहल छी आगो भेटत आशीर्वाद भेटत और जल्दीए हम सब बहुत किछ करब एहन आशा अछि। हम बिना कोनो विलम्ब के आजुक जे हमर अतिथि छथि सची पाठक दीदी जे लक्ष्मीनाथ गोसाई जी के वंशज सेहो छथिन और कर्णपुर सुपौल से बिलोंग करैत छथि DPS सुपौल स्कूल में शिक्षिका छथि और बिना विलम्ब केने हम दीदी के सबसे पहले जोड़ित छी। दीदी बहुत बहुत स्वागत छै अपने सिमर फिल्म्स इंटरनेशनल का फेसबुक पे। हम सबको जय बाबा जी बहुत आए खुशी भ रहल है मन जे आए साल के पहिल दीदी और मैं आए एक बाबा जी पर लक्ष्मीनाथ गोसाई पर किस चर्चा करे के मौका भेटल है तो इलाके बहुत खुश छी जे ई अवसर पहिल बेर भेटल है बाबा जी के मतलब नाम से किस अथी करे के चर्चा करे के हुनकर गुणनवाद करे के आए पहिल अथी भेटल है तो 2023 के ही बहुत शुभ कामना रहते नव वर्ष के शुभ कामनाएं सबके दर्शक छथिन हुनका सबके अपने विषय में जानकारी देलिए ना लेकिन अपना विषय में अपना मुख से कि जानकारी देल जाए जैसे और निक से कोनो परिचय के मोहताज नहीं छी लेकिन अहाँ के परिचय और जी। हाँ तो हमर परिचय यह है जे हम सब लक्ष्मीनाथ गोसाई के वंशज यानी लक्ष्मीनाथ गोसाई के जे रहथिन नैना झा जे रहथिन तेसर पीढ़ी में तो ओय में हुनका मतलब दू लड़का दू लड़की भेलखिन जे ओय लड़की के अथी से हम सब छी और लड़का के जे अखन वह नैना झा जुगेश्वर झा वशिष्ठ नारायण झा तो वो सब छथिन आ लड़की पक्ष के जे रहिए ओ पक्ष के हम छी हमर चूंकि नैहर परसौना भेल आ संयोग से बगले में कर्णपुर में हमर सासुर भ गेल लेकिन कर्णपुर में सासुर रहले से नहीं कोनो बाबा जी के अथी तो साफ हमर खत्म भ गेल प्राइवेट में जॉब केलौं अथी केलौं लेकिन आप बुझा रहल है जे आप बाबा जी
जरूर किछु कतौ कोनो राह देखेता आ कोनो अथी करता अंदर से जे बुझा रहल है। तो वही पर हम सब बचपन में हमर बाबूजी सेहो म्यूजिक टीचर रहे सुपौल में, तो हमरा सबके ओ बचपन में बहुत बाबाजी के खाली भजन सीखेले गवेले आ अपनो बिना 5 टा भजन गेने ओ से कहियो नहीं रहत रहे। 5 टा हुनकर डेली रहे जे 5 टा भजन गाब के तखने ओ मतलब अन्न के ग्रहण करत रहे। तो ओहि में जतेक परसरमा के पैग पैग ड्योढ़ी सबके रहथिन तिनको सबके बैसारी डेली रहत रहन, ओहो सब गेलों बजेलों पूरा मतलब टोल के अथी। तो ओ तो आब रहलखिन नहीं, लेकिन बचपन के भजन सब एखनो सबटा याद ये जे हम सब जते बाबाजी के भजन गावत रही वो सबटा एखनो किस से किस तरह गाबते रहे छी। तो इएह हमर परिचय भेले, हम सब वही परिवार के वही अथी के छी। बड मन खुश लग रहा है जी, बहुत आए एकर माध्यम से हमरा सबके जोड़ ले था, ये बहुत मतलब खुशी लग रहा है। नहीं, हम बहुत सौभाग्यशाली छी दीदी जे वही कर्णपुर का हमर अभिभावक छथि प्रोफेसर कुलानंद झा सर, जिनकर मार्गदर्शन में जिनकर दिशा निर्देश से हमर ई वेबिनार चल रहल छल और आगुओ जे छे चलित रहत सर के मार्गदर्शन में हम सब काज कर रहल छी। आ जखन हम सहरसा सुपौल तरफ एलों और ई फिल्म के विषय में जिक्र केलियन और वेबिनार के विषय में चर्च केलियन, बाबा जी कतौ नहीं कतौ एहन हमरा अभिभावक से भेटेलथि जे काफी हमरा सम्मान भेटल हँ और वही से उत्साहित भऽ कऽ हम काफी उत्साहित भऽ कऽ काज कऽ रहल छी। अपने सबके हमरा सतत आशीर्वाद भेट रहल यऽ। तो दीदी बातचीत चलबे करते हम चाहे छे जे सबसे पहले हमारे दर्शक सब छथि हुनका हम बताबियन, एखन तक जुड़ल छथि हिमाद्री मिश्रा जी जयपुर लिख रहल छथि अपने स्वागत कर रहल छथि, अनूप कुमार झा जी जय बाबा जी लिख रहल छथि, अर्चना झा जी जुड़ल छथि जय बाबा जी लिख के अपने का अभिवादन कर रहल छथि। तो दर्शक सब धीरे धीरे जुड़ रहल छथि, हुनकर सबके दर्शक सबके अभिवादन स्वरूप हम चाहे छे चूंकि अपन बाबा जी के रचना अपने के सुमधुर कंठ से बहुत सुंदर गवित छे, हम चाहे एकटा बाबा जी के रचना से शुरू करिए कार्यक्रम जी। जरूर सुनाया, जरूर सुनाया। तो सबसे पहिल जे छे ने जे हुनकर एकटा बचपन ने याद ये हमरा सबके जे बाबा जी के जीवनी एकटा हम सब गावत रही। बाबा जी के जयंती जखन मनायल जात रहन तो ओय में सर्वप्रथम हमर पिताजी एकटा बाबा जी के जीवनी गावत रहथिन। अब वो जीवनी किनकर लिखल छन से त नै एखन हम बतायब, लेकिन वो जीवनी बहुत मतलब अथी छन हुनकर प्रसिद्ध रहन। तो सबसे पहिने वो जीवनी जे हुनकर छन से हम अपने सबके से सुनबै छी। जी 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 जरूर जरूर। परम प्रसिद्ध अछि ग्राम परसरमास लेल अवतार जहाँ जोगी बाबा लक्ष्मीनाथ। धन्य धन्य ग्राम ओ भुवन देश मिथिला से जहाँ कुल कमल उदित बाबा लक्ष्मीनाथ। किरती ललित छनी महायोगे स्वरवणी मिथिला के भूषण कहवे बाबा लक्ष्मीनाथ। परम प्रसिद्ध अछि ग्राम परसरमास लेल अवतार जहाँ जोगी बाबा लक्ष्मीनाथ।
किरती ललित छनि महायोगेश्वर वनि मिथिला के भूषण कहवे बाबा लक्ष्मीनाथ छाड़ी कुल जननी जनक द्वारा मित हित विरति विराग राज पावे बाबा लक्ष्मीनाथ एखनहु अछि बहु कुटियोर मन चल लखी इंद्र पुरतम लागे बाबा लक्ष्मीनाथ थाना मधेपुर ओ सुग्राम धन्य फेट किसे होम जाप पूजा ध्यान पावे बाबा लक्ष्मीनाथ इमेरी तू मास मार्ग पक्ष शुक्ल तिथि पंच तेजी गेल तन सुर धाम बाबा लक्ष्मीनाथ कहत लक्ष्मी स्वर सुनहु शिव योगेश्वर गति तोरो अपरम पर बाबा लक्ष्मीनाथ परम प्रसिद्ध अछि गम पर सर मासे परम प्रसिद्ध अछि ग्राम पर सर मासे लेल आव तर जहाँ जोगी बाबा लक्ष्मी नाथ बहुत सुंदर दीदी बाबा जी का ता जे संपूर्णता के बात हम करित छिए पूरा मिथिला में जे लक्ष्मीनाथ कोश्य जी एकटा एहन नाम भेलैत जे मिथिला में शायदे कोनो एहन जगह हेतु जत ओ नहीं छथि हाँ। चाहे वो सुपौल हो चाहे सहरसा हो चाहे दरभंगा हो चाहे मधुबनी हो चाहे समस्तीपुर हो चाहे बेगूसराय हो कोई काल आवे तो जे सब बनलिए हो तो बनेबे के लिए हाँ लेकिन बाबा जी अपनो समय में जे हर जगह हुनकर जे अनुयायी सब अपन समकक्ष सब हुनकर जे माने वाला छलखिन से सब जे हुनका बना कर देलखिन वो सर्वविदित छे और तेनाही ई भजन में जे कि लिखलखिन हाँ वो लगे हर कुटी के हुनकर जत जत जे जगह विराजमान छे वो हर चीज के ओहन शब्द में जे छे फुट केलखिन अच्छा पहिने हुनकर मधेपुरा थाना रहे तो ओहो दर्शा देने छथिन थाना मधेपुरा जी जी ओ सुग्राम में धन फटकी से जी 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 कनी दर्शक सब से हो माफी चाहबन जे हमरा लगैत है किस नेटवर्क के प्रॉब्लम कारण से कखनो कखनो जे छे किस प्रॉब्लम होइत हेते लेकिन की करबे जखन हम डिजिटल इंडिया के बात करै छी और इंटरनेट के माध्यम से कर रहल छी तो लाजमी छे कत परेशानी भेने एकरा जे छे इग्नोर कयल जाए और अपने सबके सहभागिता सहयोग हमरा सब चाही ए बीच में मनोहर झा जय बाबा जी लिख के स्वागत केलथि हाँ कृष्णचंद्र खां सर जी छे जय बाबा जी लिखलथि हाँ अनुजा झा लिखलथि हाँ कौशल कुमार मिश्रा जी जय बाबा जी लिखलथि हाँ सब अहाँ स्वागत कर रहल छथि सीमर फिल्म्स इंटरनेशनल के फेसबुक पेज पर और अपन सबके जे
प्रसिद्ध एकटा लोकप्रिय जे कार्यक्रम अछि ओ बाबा जी के जानी ओहिके माध्यम सँ, तऽ यदि बातचीत तऽ हेबे करतै और बातचीत केनाइ छै, आ चूंकि अपने बाबा जी के वंशज मे सँ अबैत छियै, बहुत कम आदमी के ई चीज के जानकारी छै, एखन तक जे बाबा जी के वंश वृक्ष जे हम देख रहल छियै ओ एक एकटा के बात आबि रहल छै, जे एकटा लड़का भेलखिन, फेर एकटा लड़का भेलखिन, फेर एकटा लड़का भेलखिन, फेर तीन टा लड़की भेलखिन, एहि तरीका से। लेकिन लड़की पक्ष और ओहि मे अपने सब ई चीज एगो बहुत पैघ जानकारी आय हमरा सबके जे छै सबके सामने आबि रहल छन, ई बहुत आह्लादित छी। आ हमरा निश्चित बुझाइत अछि जे हमर दर्शक सब सेहो एहि चीज के और डिटेल्स जानय लए चाहतथि, लेकिन ओहि से पहिने एकटा भजन हम और चाहैत छियै जे बाबा जी के रचना, ई तऽ बाबा जी पर जे लिखल छै अपने सुनेलियै, लेकिन एकटा बाबा जी के रचना जे छै अपनेक मुख से सुनायल जाय जी। एक फिर हम सुनबै छी जी जी जी। तुम बिन कौन हरे मोरा पीर, तुम बिन कौन हरे मोरा पीर, नारायण नरसिंह नरोत्तम, नारायण नरसिंह नरोत्तम, नरक निवारण धीर तुम बिन, नरक निवारण धीर, नामो निरंजन ओ दुख भंजन, नामो निरंजन ओ दुख भंजन, जन रंजन रन धीर तुम बिन, कौन हरे मोरा पीर, गोपीपति गोपाल गोसाई, गोपीपति गोपाल गोसाई, गिरधारी गंभीर तुम बिन, गिरधारी गंभीर, गरुड़ासन गंगा गतिदायक, गुण गावत गही धीर तुम बिन, कौन हरे मोरा पीर, तुम बिन कौन हरे मोरा पीर, तुम ही मातु पिता कुल परिजन, तुम ही मातु पिता कुल परिजन, कारण सकल शरीर तुम बिन, कारण सकल शरीर, विद्याधन बलबंधु सहोदर, विद्याधन बलबंधु सहोदर, केवल गति रघुवीर तुम बिन, कौन हरे मोरा पीर तुम बिन, कौन हरे मोरा पीर, काम क्रोध मद लोभ मोहरी, काम क्रोध मद लोभ मोहरी, कर गए
शरीर तुम बिन कर गई धनुष तीर, मारन चाहत संग सखा मिली, मारन चाहत संग सखा मिली, यद्यपि लक्षण फकीर तुम बिन, यद्यपि लक्षण फकीर तुम बिन, कौन हरे मोरा पीर तुम बिन, कौन हरे मोरा पीर। चूंकि गावे के आदत ये हारमोनियम तबला पर तो कनी कठिनाई भ रहल छी तो दोसर ठाम लेकिन जे अहाँके स्वर में मधुरता छै वो मधुरता से हमरा लगे थे जे भी ऑडियंस हमर छथि वो सब मंत्रमुग्ध भ गेल छथि। जे एना लागल जे बाबा जी अपन रचना में जे छै हमरा सब के एकदम समा लेलथि हँ, जे ओहि मंत्रमुग्ध भ के हम सब जे छै झूमि रहल छी, जे अहाँके स्वर में जे जादू छै वर्णन हेतु कम छै। हमरा एहि बीच में अनुजा झा जी कमेंट कलथि मौसी गोर लगै छी नव वर्ष मंगलमय हो, मनोहर झा जी लिख रहल छथि जय हो, कौशल कुमार मिश्रा जी लिख रहल छथि बहुत सुंदर प्रस्तुति। सही में जतेक प्रशंसा कयल जाए कम हेतै, आ तैमे बाबा जी के रचना और कृष्ण मुरारी झा जी लिख रहल छथि वाह वाह बहुत खूब जय बाबा जी। तो जतेक हमर ऑडियंस छै जतेक पब्लिक छै जे ना हमर ओ बाबा जी के जानी के ई सीमर सेन इंटरनेशनल के लोकप्रिय जे कार्यक्रम अछि ओकरा से जुड़ल छै जुड़ित छै माध्यम से त बाबा जी के रचना हमरा सुनवे के अवसर भेटल अही के माध्यम से, तै हम बड खुश छी जे आय सुमित सुमन जी एकटा एहन अथी केले जे साल के पहिल दिन लक्ष्मीनाथ गोसाई के एकटा मतलब रचना के गावे के मौका भेटल आ सबके सुन हम त ही में खुश छी बहुत जे हमरा नै हमरा त हार्दिक प्रसन्नता अछि जे हम सब ई कार्यक्रम के जे छै अनवरत कोरोना समय में चलबित रहलौं, लगभग 50-60 एपिसोड चलल और फिर चूंकि व्यस्तता के कारण से हम रुकने छलौं, आ जे आइ पुनः एहि चीज के हम सब शुभारंभ केलौं हँ, जे कतो नहीं कतो बाबा जी के प्रेरणा कहियो, जे हमरा लगैत अछि जे जे गति से हमरी बाबा जी के कार्यक्रम चल रहल छल आ एतेक सम्मान भेटल आ फिल्मों के जे सम्मान भेट रहल छल कतो नहीं कतो ओकर ई लाइव कार्यक्रम छल, कुलानंद सर के बराबर जे छै प्रेशर हमरा पर चलन जे नहीं सुमित जी ओकरा नहीं बंद करियो ओकरा बराबर अहाँ चलाबियो, और आइ हमरा पुनः सर से आशीर्वाद ल क हम ई कार्यक्रम के श्री गणेश केलहुँ जे अ बाबा जी के जानी सिमर फिल्म इंटरनेशनल पर, जे मिथिला के प्रसिद्ध संत सिद्ध संत लक्ष्मीनाथ गोसाई जी पर केंद्रित ई परिचर्चा हम सब करी, जैमे अपने सब एहन विदुखी विद्वत जन के हम सब आमंत्रित करी, हम सब अपना संगे जोड़ी और हुनका से हुनका मुख से बाबा जी के विषय में जानकारी ग्रहण करी सीखी, और जे केओ जुड़े छथि उनको बाबा जी के विषय में जाने का अवसर भेटन। तो दीदी जना बाबा जी के वंशज में से अपने अबै छी और फिलहाल कर्णपुर सासुर भेले अपने कर्णपुर में रहित छी, हम जे किछ पिछला दिन एकटा बैठक केने छलौं फिल्म से संबंधित कर्णपुर में, फर्स्ट टाइम अपने से हमरा ओहि दिन आशीर्वाद भेटल छल, और तकर बाद बाबा जी तो अपन काज अपने जना लगे छे अनवरत करैत चल जा रहल छथिन, अपने सबको जोड़ने चल जा रहल छथिन, और लगैय निश्चित जे बाबा जी हमरा पर निमित बनेलखिन हँ तो वो अपन कृपा से अपने ही जे छै सबके जोड़ैत ई आगा ल क चल जेथिन, हम अहाँ मनुष्य रूप जे छै बस निमित्ता बनि सकै छियै। तो दीदी एकटा गीत मोन करैय हमरा और जे छै हम अपन दर्शक सबके सुनाबी, और दर्शक सबसे सेहो आग्रह निवेदन रहत जे बेसी से बेसी ई लाइव के शेयर कयल जाए कमेंट्स कयल जाए जिससे कि हमरा सबके उत्साह बढ़
जैसे कि अधिक से अधिक लोग तक ये लाइव सेशन पहुंचे, जैसे अधिक से अधिक लोग तक जुड़ाव हुए, जे हमर मिथिला के जे विभूति जे धरोहर संत श्रोमणी लक्ष्मीनाथ गोसाई जी, हुनका हम सब श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकी, हुनका विषय में जानकारी ल सकी। तो दर्शक सब से अपने सब से निवेदन जे अनवरत शेयर होत रहे कार्यक्रम का। दीदी हम चाहबे एकटा और बाबा जी के रचना अपना मुख से सुमधुर स्वर से सुना दिए जी। ठीक छे, लेकिन एकटा देखियो जे बाबा जी के जे रचना छन, बाबा जी के रचना जतेक मिथिला में विध व्यवहार कोनो मतलब विवाह दान जते होय छे सब पर जब ध्यान से देखबे तो सब पर हुनकर लिखल छे। जेना आप विवाह में द्वार लागे छे, बराती आबे छथिन ओ सब काल के जेना परिछन मतलब ओ अपन अथी से हर मतलब जेना हम सब पहिने सुनैत रहिए विद्यापति सब के गावे छी बा गाबितो रही बा ओहो में हर विधि विधान के सब गीत गायल छे जेना विद्यापति के लिखल छन, इनको में जब ध्यान से देखल जाए तो जतेक विधि विधान छे सब विधि विधान के लिखने छथिन गीत। बहुत काज भेले हैं, काज का अभाव नहीं छे, लेकिन जरूरी छे जे ओकरा जन जन तक कोना पहुंचते, एगो जन जागरण का मुख्य बस ई एकटा बाबा जी निमित्त चुनलखिन हँ। इहो एकटा माध्यम छे वेबिनार का जे आइ अपना सब जे छे एहन तरह के अवसर पर आइ भेटलहुँ हँ, जे अपना सब लाइव के रूप में जे छे दूर दूर तक देश की विदेशों तक का जे छे लोग ऐ संगे जुड़ के आ एकरा से लाभान्वित भ रहल छ। त कमेंट्स का तो झड़ी लाग रहल अछि, लेकिन एकटा अपने के जे छे बाबा जी के रचना अपने के मुख से अपने सुनब, तकर बाद फिर हम कमेंट का सेहो रिप्लाई देंगे। फिरत कहाँ बौराना नर रे तू, फिरत कहाँ बौराना अबही सीख सिखावन मेरो अबही सीख सिखावन मेरो चला भयो है पुराना फिरत कहाँ बौराना नर रे फिरत कहाँ बौराना मानुष जन्म पदार्थ पायो मानुष जन्म पदार्थ पायो भजत न क्यों भगवाना मानुष जन्म पदार्थ पायो भजत न क्यों भगवाना अंत काल पावर पचते हैं अंत काल पावर पचते हैं यमपुर होते ठिकाना फिरत कहाँ बौराना नर रे तू फिरत कहाँ बौराना कियो करार भजन कर देखो कियो करार भजन कर देखो सब बात भुलाना केस सफेद भयो सब तेरा
यम परवाना फिरत कहाँ बौराना नरे फिरत कहाँ बौराना बहुत कमाए असोच भयो रे बहुत कमाए असोच भयो रे लाले भरम खजाना लक्ष्मी पति नर राम भजन बिनु लक्ष्मी पति नर राम भजन बिनु माटी मोल बिकाना फिरत कहाँ बौराना नर रे तू फिरत कहाँ बौराना बहुत बहुत सुंदर दीदी, इतिक सुंदर नरे कहाँ फिरत बौराना। सही माँ जे बाबा जी का जे एक शब्द का जे रचना छन, जे रचना छन ओकर एक एक लाइन उनकर लिख मतलब विस्तार देते केना है। हैं जी दीदी, अपने अपने के आवाज कट रहा है, किस अपने कह रहा चलिए। आवाज कट हाँ रहा है माफी चाहब, किस नेटवर्क। हाँ, आप सही है, आप सही है। जी, आप सही है दीदी। जी, हम बता भी, श्री हर्ष आचार्य जी लिख रहा था, बड़ सुंदर। कृष्ण मुरारी झा जी लिख रहा था, सुमित सुमन जी निर्माता निर्देशक सिमर फिल्म्स इंटरनेशनल मुंबई के अद्वितीय शख्सियत छथि। अनूप झा जी लिख रहा था, अनूप कुमार झा जी, सुमित जी की नीक प्रस्तुति। कृष्ण मुरारी झा जी फिर लिख रहा था, बाबा लक्ष्मीनाथ गोसाई के प्रति सुमित सुमन जी समर्पित छथि, जय बाबा जी। निरंजन सिंह जी लिख रहा छथि, जय बाबा लक्ष्मीनाथ गोसाई की। ब्रह्मानंद झा जी जुड़ल छथि, लिख रहा छथि, जय बाबा जी। त सब लोग जतेक दर्शक जुड़ल छथि, सब अपने के अभिवादन कर रहा छथि। त दीदी, अब अगर हम बात करें, हम जानने ले चाहब जी लक्ष्मीनाथ गोसाई जी के विषय में, चूंकि अपने हुनकर पारिवारिक सदस्य छिये, परिवार से आबित छिये, त जे आम जनमानस में बाबा जी के प्रति जे एगो छे छवि भरल, जे बाबा जी हमर आराध्य छथि, प्रातः स्मरणीय छथि, त हुनकर पारिवारिक जे चीज अबै छे, त जे किंवदंती सब, चमत्कार सब आम जनमानस में छे, ओहि में किछ एहन हमरा सब के बतायल जाए जे शायद लगैया ओ परिवारे तक रहल हेतै। किछ एहन चमत्कार सब जे अहाँ सब सुनने हेबै अपन बाबा दादा के मुँह से, तो ओ हमरा सब एक संगे शेयर कयल जाए, लक्ष्मीनाथ गोसाई जी के विषय। जी कहानी सुनल है हमारे सबके पिताजी कहते रहते जे बाबा जी के तो खैर बहुत जी जी महिमा रहन वो तो कतौ जे जाथिन तो आब हुनका अगर देखथिन कीर्तनिया सब जे बहुत तरह के धार बह रहल छे तो आब कीर्तनिया सब सब अथी ओत कीर्तनिये सबके संग रहते रहथिन आ घूमत रहथिन तो सब बहुत अथी भय जाथिन जे बाबा जी आब ई केना के नदी पार भय के हम सब जाय जेना आब फटकिए जेनाय रहन जेना आब कतौ जेनाय रहन तो आब ओ सब सब असमंजस में पड़ जाथिन जे केना बाबा जी ई पार कै के ओहि पार जाय तखन फेर फटकी जाय पहिने तो कोसी बहुत बहत रहे बहुत अथी सब रहत रहे पानि सब तो पहिने तो किछ देर बाबा जी अपन अथी देथिन जे अच्छा तू सब देखे जो तू सब भजन करे जाय जो खाली तोरा सब के ओहि पारे ना जाय के छो तो बाबा जी सब के आश्वासन देथिन
जे तू सब खाली भजन कर आ भजन केना तू सब ओय पार जेबे तकर त जिम्मेदारी हमरा छे न। तो कीर्तनिया सब का आश्चर्य लागन जे बाबा जी ई केना के हम सब उम्हर जाब हमरा सब के कहे छे भजन करे ले आ ओ एते पानी पार कए के ओय बगल जाब न नाव छे न किछो छे तो वो सब कनी भजन की करत वो सब कनी मतलब आश्चर्य में बैस जाए जे हमरा सब के आश्चर्य लागे या अथी लागे या जे केना पार करब। तो बाबा जी एतबे कहथिन कि तू सब भजन करत रह आ तू सब से चलत रह। तो कहथिन बाबा जी हम पानी अथी में धार में केना चलब तो कहथिन कि अरे तू सब चल न आगू तू सब चलत रह आ देखी रास्ता अपने अपने भेल जेते सही। ओ सब कीर्तन करत अपन ओ धार सब के पार करत जे जाइए तो आप रूपी ओ पानी सुखायल गेले रास्ता बनल गेले आ ओय दक बाबा जी सब कीर्तनिया सब के संगे जाथिन घूमथिन तो एहने एहने चमत्कार सब बाबा जी के रहन। एक बेर अहिना रहन जे एक बेर कीर्तनिया सब मंडली लेके गेलखिन ओ जगन्नाथपुरी जगन्नाथपुरी के यात्रा बनेलखिन जे हम जाय जगन्नाथपुरी दर्शन करे ले। तो ओठा जे गेलखिन त ओठा जाय देरी रात कीर्तनिये सब के संगे तो कीर्तनिया सब त खूब ढोल झाप अपन बजबे त कीर्तन करे त अपन जायत रहे। जखने ओ थाप के आवाज सुनलके ओठा पंडा आ कि मंदिर अथी कै देलके बंद कै देलके मंदिर बंद केला के बाद आब ई सब अथी भ गेलखिन के मंदिर किया बंद भ गेले त कहल गेले ओठा बाबा जी कहलखिन जे अरे हम सब आयल छी अथी करे ले ऐठा कीर्तन भजन करब बाबा के दर्शन करब जगन्नाथ बाबा के से पट किया बंद कए देलहुँ। तो कहलखिन कि जे पट बंद हिनकर ओ की कहतथिन जे ई तो बाबे जी के चमत्कार ओ की कहतथिन ओ तो कहलखिन कि जे पट बंद भए गेले तो रहन तो बाबे जी के अथी लेकिन ओ कहलखिन कि पंडा जी नहीं टाइम भ गेले न मंदिर बंद होय के तैं हुनकर पट बंद भए गेलनि आब जहन टाइम हेतनि खुले के तहन अपने खुलि जेतनि अहाँ सब ऐठा से एखन चलि जाउ। तो बाबा जी कनी मुस्कैत बाजलखिन जे ऐठा से चलि केना जाउ आयल तऽ छी दर्शन करै लए जगन्नाथपुरी जगन्नाथ जी के दर्शन करब। तऽ अपन ओ सब जते रहे अपन मग्न भए गेलै फेर कीर्तन भजन गाबैत अपन अथी में मग्न भए गेलै मग्न भए गेलै तऽ ओही दरमियान में अपन भजन करैत करैत ओ पटो खुलि गेलै आप से आप ओ पट खुलि गेलै रहन तऽ हुनके चमत्कार पट खुलि गेलै खुल्ला के बाद ओ सब फेर सब गोटे जाके ओ जगन्नाथ जी के दर्शन केलै पूजा केलै फेर ओ सब निकललखिन कि फेर पट बंद भए गेलै। ओ जे देखलखिन ओठा के पंडा तऽ ओ बहुत आश्चर्य भए गेलखिन जे अरे ई कोन चमत्कारी छियै ई तो चमत्कारी वाला अथी भेलै। तऽ की कहै छै बाबा लक्ष्मीनाथ जी से हँसे लागलखिन ओ की कहतथिन हुनका तऽ रहन अपन जे चमत्कारी देखायब अपन पूजा करब दर्शन करब फेर कीर्तनिया मंडली लए कऽ अपन फेर ओहिठा से विदा भेलै। लेकिन जखन कि विदा भेलखिन तखन ओहिठा के पंडा जे रहन से हिनका पैर पकड़ि लेलखिन अथी करय लगलखिन ओ चिन्ह गेलखिन जे ई छथि किछु देवांश छनि हिनका मे अथी ओ चिन्ह गेलखिन तऽ ओ पैर पकड़ि लेलखिन पैर पकड़ि लेलखिन बाबा हँसैत ओहिठा से विदा भ गेलखिन की कहतथिन। लेकिन एकटा ओ बाबा जी हमरा सबके परिवार में एकटा ओ बहुत बड़का अथी कहने गेलखिन जे हमर सबके परिवार के जे केओ आवै तऽ एहिठा पूजा करै लए नहि आवै मतलब जगन्नाथपुरी से पता नहीं हमर वंश के लोग जगन्नाथपुरी पूजा करै लए नहि आवै। ओ तो मान लिय ओ रहथिन महापुरुष रहथिन अपन गेलखिन ओ पट खुलले पूजा केलखिन अथी केलखिन लेकिन हुनका ई रहन जे अगर हमर सबके वंशक केओ आयत पट बंद हेतै एहिठाम से लौट के जाय तऽ ई अथी नहि भेलै तैं लए कऽ ओ अपन अथी के वंशज के पूरा हिदायत कए देलखिन जे हमर सबके परिवार के जगन्नाथपुरी पूजा करे लए नहि आबै अगर ओहिठा के केओ त्रिशूलो देख लेतै हमर सबके वंशज के लोग तो त्रिशूलो देखला से ओ आँख ओकर अथी चलि जेतै ई एकदम अथी कए कऽ बाबा जी गेलखिन। आ एक बाबा जी के आर रहन जे हमर सबके खानदान में अगर किनको सर्प डसै छै डस लेतनि तो ओ एक तो डसतनि अगर डस लेलकै
तो ओ जीवित नहीं तो सही में घटना भेल छे तखन जे नानी जे रहथिन हमर यानी वशिष्ठ नारायण झा के जे पत्नी रहथिन जे 105 वर्ष में मरलखिन या 500 साल पहिने ओ नानी जे रहथिन तो पहिने तो पुराना घर रहन बाबाजी के बनायल बहुत अथी रहन खंडर वाला वो घर वो अथी मरवा सब बनले रहे ओकरा होय की जे रिपेयरिंग कैल जात रहे लेकिन ओकरा तोड़ के बनायल नहीं जात रहे तो वो सब भए गेल रहे कनी खंडर ओकर सब में बहुत बिछला बिछला सांप सब ओ देखिए जे नानी करथिन की जे दुश्मन रहथिन ओकर अगर वो देखथिन जे बिल में कतो कोनो सांप छे तो ओकरा ओ खचैर के हाथ से पकड़ के निकल के अथी कर देथिन एतेक हुनका में शक्ति रहन आ किछ नहीं हुनका करें सांप ओ कतो देखै ले नहीं चाहथिन सांप को एतेक हुनका मतलब अथी रहन आ एक ओही परिवार में एक रहथिन हमर सबके मौसी रहथिन तो हुनका अहिना देश लेलकन तो वो मतलब चंद मिनट यानी 10 से 15 मिनट में कतेक डॉक्टर वैद्य कते झाड़ फूक भेले ओ नहीं जीती तो इहो प्रत्यक्ष प्रमाण हमरा सबके आँख के देखल इहो बाबा जी के नहीं तो ये एक ता सुनल हमरा सबके बचपन के सुना ले ली सब अति छैन तो बहुत हुनकर अति लेकिन कनी के नहीं सब याद जी 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 नहीं बाबा जी के साहित्य रचना के विषय में या हुनकर जे चमत्कार के विषय में चर्चा करी तो जेम्हरे जाए छी चाहे जत जत हुनकर कुटी छन जही कुटी पर जाए छी पता चले या जे बाबा जी अधिक समय ते एते बितेलखिन एतो जे छी एहन एहन चमत्कार केलखिन है एखनो आय 250 साल बीत चुकल छे ओ समय के लेकिन एखनो जे बाबा जी के नाम पर एहन एहन चमत्कार भ रहल छे अगर प्रत्यक्ष देव के रूप में कहल जाए तो लक्ष्मीनाथ गोसाई जी एखन छथि आ एकर अनुभूति हमें कतेको बेर भेल हँ आ जतेक हम बाबा जी के विषय में शोध करैत अंदर जा रहल छी तते लगैत अछि जे बाबा जी त एगो अथाह सागर छलखिन बहुत उनका नहीं जेहन एखन अहां सब एखन अथी भेलिए हैं ओय टाइप के अथी नहीं भ सकले ने श्री सती नहीं भेले नहीं तो हमको बहुत आगे बढ़ल रहते तो नहीं कतो आए 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 बाबा जी शायद हमरा द्वारा ई बचा के रखने छलखिन जे हमरा अपन गीत बनेलखिन आ जे हम ई प्रयास में पता नहीं हम नहीं कह सके छी जे हम कते तक सही भ पाइब रहल छी या भ सकब बस अपन जे हमर लेखा अछि जे कर्म करै के जे प्रयासरत रहै के तो ओ प्रयास में हमरा नहीं बुझाइत अछि जे कखनो हम कमी रखलिए हैं और बाबा जी जखन निमित्त बनेलखिन तो बाबे जी पार लगे थी और निश्चित छै जे बाबा जी जान एते चमत्कारी केलखिन तो आब ए बाबा जी के अथी में केना ने अहां प्रति चमत्कारी हेतन जरूर हेतन एकदम विश्वास भ के अहां रहू अथी जे बाबा जी के अहियो में बहुत चमत्कारी हेतन यो बने आ बहुत अहां का आशीर्वाद भेटत अनुपमा झा जी लिख रहल छै जय बाबा जी अनूप कुमार झा जी लिख रहल छै वाह अलौकिक पन्ना जी लिख रहल छै जय बाबा जी श्याम झा लिख रहल छै जय बाबा जी सब जय बाबा जी का एगो धुनी जे छे एहन रमल अछि जे जत देखियो तत सिर्फ और सिर्फ जय बाबा जी का जय घोष भ रहल अछि आय नव वर्ष के ई मंगलमय ई बेला में जे बाबा जी एहन एगो अलौकिक अपन छटा जे भेलै था जे आय देखियो अचानक के मन में आयल और ई कार्यक्रम फिर पुनः शुरू भेल और एक सुंदर सुंदर जे सब के श्यामा झा लिख रहल छै जय बाबा जी नव वर्षक मंगल कामना तो सबके जे एते कथी भेट रहल या तो जरूर हम सब जे छे प्रत्येक रवि के जना पूर्व में हम सब करैत छलौ तेनाही प्रत्येक रवि के 4 से 5 ओ बाबा जी के जानी विशेष कार्यक्रम लक्ष्मीनाथ गोसाई जी पर केंद्रित ई कार्यक्रम हम सब अनब अपने सबके आशीर्वाद सहयोग हमरा सब संगे रहे तो दीदी जात जात जे छे
चूंकि बाबा जी के नाम को समय सीमा तो मानल नहीं जा सकै तो जरूर जे छे अपने से हम आगा से प्रार्थना करबे जे अहाँ जुड़बे नेक्स्ट कोनो दिन आ हमरा दर्शक सब के जे छे बाबा जी के विषय में और विषय में बतेबे तो जायत जायत एकटा और बाबा जी के रचना सुनाबे कार्यक्रम का समापन कर एकटा बाबा जी के रचना अपन सुमधुर स्वर में याद नहीं है लेकिन दू लाइन के सुनबे छी एकटा मैथिली में जे लिखने छथिन जी जी प्यारे महना हो प्यारे महना हो एक बेर बांसुरी बजाओ एक बेर बांसुरी बजाओ प्यारे महना हो प्यारे महना हो एक बेर बांसुरी बजाओ एक बेर बांसुरी बजाओ मोर पक्ष जर तसी पगरिया कानन कुंडल लाओ मोर पक्ष जर तसी पगरिया कानन कुंडल लाओ भाल तिलक के सरिया जामा भाल तिलक के सरिया जामा उड़वन माल सुहाओ एक बेर बांसुरी बजाओ एक बेर बांसुरी बजाओ प्यारे मोहना हो प्यारे मोहना हो एक बेर बांसुरी बजाओ एक बेर बांसुरी बजाओ पीतांबर के कछनी काछो अच्छो भेष बनाओ पीतांबर के कछनी काछो अच्छो भेष बनाओ भाल तिलक के सरिया जामा उड़वन माल सुहाओ एक बेर बांसुरी बजाओ एक बेर बांसुरी बजाओ प्यारे मोहना हो प्यारे मोहना हो एक बेर बांसुरी बजाओ एक बेर बांसुरी बजाओ कनिक याद रहे बीच में छोड़ दलो बहुत सुंदर जे बाबा जी के रचना छे आज अत्यंत सुमधुर स्वर में अपने जे लगेलिए स्वर बहुत सब भाव विवल छथि राजेश रंजन खान लिख रहल छथि जय बाबा जी राजीव मिश्रा जी जय बाबा जी इस अभिवादन कर रहल छथि श्यामा झा दीदी लिख रहल छथि एही बरख जरूर कामयाब होय अब सुमित जी जी जरूर दीदी अहां सब का आशीर्वाद छे तो हम अनवरत प्रयास में लागल छी अपने सबका आशीर्वाद बाबा जी के कृपा से जरूर जे छे बाबा जी का कृपा दृष्टि रहते हम अपन कर्म कखनो पाछा नहीं हटलिए हां नहीं हटबे ई निश्चित छे जामे तक कर्म नहीं तामे तक छाम जरूर देखायब अपने सबका आशीर्वाद हमरा संग रहे तो दीदी एहि संगे एखन का जे छे आजुक लाइव अपने बहुत बहुत आभार जे अपने नव वर्ष की जी जी दीदी शुभकामनाएं नव वर्ष की शुभकामनाएं हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर धन्यवाद सबका सब छोट का आशीर्वाद नया साल मंगल में रहे जी दीदी जय बाबा जी तो बहुत बहुत आभार आए हमरा सब संगे जुड़ल चली सच्ची पाठक दीदी कर्णपुर सुपौल से जे लक्ष्मीनाथ गोस्वामी जी का वंशज छथि और एखन डीपीएस सुपौल स्कूल में शिक्षिका छथि जतबे बाबा जी के विषय में हुनका जानकारी छनि उतबे जे बाबा जी के रचना के जे हुनकर स्वर में
ओ सजाबित छथि, तऽ एखन अपने सबके समक्ष छलथि आ सब मंत्रमुग्ध छलहुँ। धीरे धीरे जे बीचमे गैप भेल छल, जे ओ बाबाजीके जाने कार्यक्रम अपन व्यस्तताके कारण सब बीचमे जे छै रुकल छल, से आइसँ आइ नव वर्षके शुभ अवसर पर आदरणीय प्रोफेसर कुलानी झाके मार्गदर्शनमे हमसब पुनः शुरू कई चलित रहत। एक से एक विभूति से एक से एक स्कॉलर का हम सब जे छे अपन सिमर फिल्म्स इंटरनेशनल का ए पेज पर बाबा जी के संदर्भ में चर्चा पर चर्चा करब और अपने सब का समक्ष आनब। अपने सब का अगर लक्ष्मीनाथ गोसाई संबंधित जे कोनो भी प्रश्न हो तो जरूर हमरा सब का कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करी, जे हम सब नेक्स्ट जे छे जे कार्यक्रम एपिसोड है ओमे चाहब जे ओहि चीज का जे हमर वक्ता हेता जे हमर अतिथि हेता हुनका सब ओहि शब्द पर ओहि प्रश्न पर हम सब परिचर्चा करब और अपने तक लक्ष्मीनाथ गोस्वामी जी के विषय में जानकारी साझा करब। तो एहि संगे आजुक कार्यक्रम का समापन करैत छी। बहुत बहुत आभार। जय बाबा जी।